वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं सब कैसे हैं। आज हमारा वृंदावन में तीसरा दिन है, तो कल भी पहले दिन हमने मथुरा पूरा किया, कल भी वृंदावन गए, पर कल जो भीड़ थी मतलब बता नहीं सकते कितनी भीड़ थी, लमसम 10 लाख पब्लिक रही होगी। फिर भी दर्शन सारे अच्छे से हुए हैं। आज हम जा रहे हैं, तो आज हमारा है निधिवन जाएंगे। और कहाँ जाएंगे जी? बांके बिहारी जाएंगे। और आज हम लोगों की कुछ ट्रेनिंग है। आइए पांडे जी। यही साड़ी मैंने मिग्रेनी से ली थी और इनका कुर्ता के पीस भी वहीं से लिए थे, तो ट्रेनिंग हो रही है काफी। हमारी यात्रा शुरू हो गई है, हम निकल रहे हैं यहाँ से मथुरा से वृंदावन के लिए। राधे राधे, 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 राधे। तो भैया हमें लेके जा रहे हैं, आज हमें बांके बिहारी और निधिवन जाना है, तो चलिए राधे कृष्ण राधे राधे और यात्रा भैया के साथ चलते हैं वृंदावन। हम अभी निकल रहे थे वृंदावन के लिए, तो हमें लगा कि कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमें याद आई वो पहलवान जी की, तो हम आज यहाँ पर कचौड़ी खाने। एक दिन और आज, पहले दिन आए थे तो मस्त, क्या मजा आता है। तो अब कचौड़ी खा ली है, अब अभी पूजा चल रहे बेटा, और अब यहाँ से निकलते हैं। 1 घंटे हो गए हैं मथुरा से निकले हुए, पर अभी हम पहुँचे नहीं, मतलब हम मथुरा से निकल ही नहीं पाए हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और दिखाती पांडे जी ट्रैफिक को कंट्रोल करवा रहे हो, तुम ही बन जाओगे ट्रैफिक पुलिस। ये अभी कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, ट्रैफिक में जमे हैं। तो लग नहीं रहा निकल पाएंगे यार इतना जल्दी। आज हमने सोचे थे मंडे तो कुछ भीड़ कम रहेगी, पर हालत वही है। नौ देवी तक चली गए। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ से बैरिकेड लगे हुए थे, हमें उस पार ही अपने पुराने वाले टेम्पू को छोड़ना पड़ा, अब नए टेम्पू से हम जा रहे हैं निधिवन। ये दोनों देखिए, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उसके मैचिंग देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ, हम दोनों एक ही मैचिंग में, भी मैच हो रही है, देखो देखो ऐसे निकलो। हाँ यार, छत भी मैच हो रही, सब फ्लू है। हम हैं निधिवन की गलियों में, निधिवन की ये गलियां हैं, सकरी गलियां, सकरी गलियां, उनसे हम जा रहे हैं। बहुत ही सकरी गलियां, वहाँ पर स्वामी भगवान हरिदास जी की समाधि स्थल भी है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में भी। और जो वृंदावन आकर के हरिदास न भूलेना, गलियों का शहर है, जहाँ हमेशा यही हालत रहती है कि टेम्पू में जाम लगा रहता है। और अभी हम टेम्पू से ही आने की कोशिश करते हैं, तो भी हमको जाम में करीब 1-1.5 घंटे निकलने लग जाता। जूस वाला नहीं पीना है, बनवा के पीना, तो बनवा रहे हैं। पैकिंग वाला जूस नहीं पीना, ताजा जूस पिला रहे ना हम। अरे हाँ, ठंडा ही अच्छा पिला रहे हैं, पर ये जूस हम यहाँ पिलाते, यहाँ बच्चों को पीना था जूस, तो हम रुक गए हैं, भैया बना रहे हैं जूस। हम आ गए हैं निधिवन पर, अभी निधिवन बंद है, 1 घंटे बाद ओपन होगा। ये आज क्या है ना, हम जाम में फंस गए, तो इस चक्कर में हम काफी ज्यादा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, जब भगवान बुलाते तभी हम पहुंचते हैं, वो सब ऊपर वाले पर निर्भर रहता है। कभी यहाँ निधिवन गली का मार्केट दिखाते हैं, जहाँ पूरे कृष्णा जी के, मतलब पूरा कृष्णा जी का, जो कृष्ण जी मिल रहे हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े पूरे बहुत अच्छे अच्छे। मैं भी सतर्क हूँ, यहाँ पर क्या है ना, लोगों को मोबाइल बंदर लेके चले जाते हैं, बड़े मुश्किल से उनको मिल पाता है। वो सबसे ऊपर जो आपको बंदर दिख रहे होंगे, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये देख रहे होंगे जो सबसे ऊपर बंदर बैठे ना, मोबाइल लेके किसी एक भैया का लेके गए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं पर लगता नहीं मिलेगा।
मैं भी अपने मोबाइल को सुरक्षित रखता हूँ। यहाँ बंदर ने एक भैया का मोबाइल ले लिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की, शायद मोबाइल दे दे, पर नहीं दिया। कई बार ऊपर भी चढ़े, पर वो उतने ही भागता रहा। लास्ट में उन्होंने फ्रूटी दी, एक बार दिया, फिर नहीं कैच कर पाया। सेकंड बार देखे कैसे वो, जैसे ही फ्रूटी कैच किया तो उसने कैसे मोबाइल फेंक दिया। अरे बंदर ने अभी ये सिक्योरिटी लगा रखे हैं। इतने समझदार होते बंदर, दे ही दिया, फाइल दे दिया, दे दिया। फ्रूटी फ्रूटी देंगे तब वो आपका सामान लचाएंगे। चश्मा, स्पेशल मोबाइल, और चारों तरफ देख के कर रही हूँ, बहुत ही उससे पकड़ी हूँ। तभी आधे घंटे और लगेंगे निधिबंध ओपन होने में और बाकी बिहारी जी का। तभी हम लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। अच्छी गर्मी है, आप लोग को हम लोग के चेहरे में भी दिख रहा होगा किस तरह गर्मी है। तभी बैठे हुए हैं, बच्चे पियेंगे लस्सी और हमें पीना है नींबू छोटा। बिना मलाई का चाहिए उसको, बिना मलाई की एक ही चाहिए और दो मलाई डाल देंगे। अभी आधा पिएगा, पूरा नहीं पिएगा। पी लो पी लो, पीना तुम्हें जो पीना हो तुम बता देना, तुम्हें क्या पीना है। बोले यार 108 गोपियाँ हैं, भगवान के साथ नाचती है। रात को इस वन में कोई नहीं रहता, अगर कोई रह जाता है भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। ये वन में दो जो पेड़ हैं ये वन तुलसी के हैं, इसीलिए इसका नाम वृंदावन है। जैसे ही निधिवन ओपन हुआ, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बच्चों को ले जाना हमें सही नहीं लगा उस भीड़ में। तो हमने एक गाइड भैया कर लिया था, उन्होंने दूसरे रास्ते से हमें दर्शन कराए थे। बाकी बिहारी के दर्शन के लिए किस तरह भीड़ है और इतनी दूर आए हैं वृंदावन, तो प्रभु से ही चाहते हैं कि प्रभु अपना दर्शन जरूर दें। बच्चों के साथ हम तो अकेले लग भी जाते हैं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि कैसे होगा दर्शन। वो तो सब बाकी बिहारी के ऊपर छोड़ते हैं, वही कराएंगे अपना दर्शन। हम एक बैठ गए एक शॉप में और कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाते भी हैं और बैठ कर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कुछ भीड़ कम हो या थोड़ा गर्मी भी कम हो तो फिर हम कुछ कोशिश करते हैं। खाने वाले डोसा की वाइस दो दो बच्चे ये चाउमिन चाउमिन नहीं खा रहे। ये है बाकी बिहारी की भीड़ और इधर भी देख सकते हैं किस तरह भीड़ है। कब बाकी बिहारी का आशीर्वाद मिले, कब जाने का मौका मिले, तो बने रहिए हमारे साथ, दर्शन तो करेंगे। अब वो डिपेंड करता है बाकी बिहारी जी के ऊपर, ये थोड़ा भीड़ कम हो तब हम बच्चों को लेके जा सके इस गर्मी में उमस में। तो राधे राधे, जय बाकी बिहारी। इतने आसानी से थोड़ी मिलते हैं भगवान के दर्शन।
बांके बिहारी जी के दर्शन करके अभी अभी आए हैं और आप देख रहे होंगे क्या हालत है। यानी पर भी यानी कहते ना बांके बिहारी के दर्शन होना यानी आप मान के चलो कि बहुत बड़ी बात है। अभी तो इस समय यानी हर समय ऐसा रहता हो क्या दर्शन के लिए? यानी एक झलक मिलना यानी आप मतलब बड़ी किस्मत होगी आपकी तो आपको एक झलक मिल जाएगी। फिर भी हम बच्चों के साथ दिखे साहब ये नन्हे मुन्ने साहब हम लोग जा करके अच्छे से दर्शन करके आए हैं। और ये है भैया आप किस नाम से अपनी शॉप? राधा कृष्ण पेंटिंग के नाम, राधा कृष्ण पेंटिंग के नाम से ये शॉप है बांके बिहारी जी के पास में ही है। यहाँ पर ओरिजिनल बांके बिहारी जी की तस्वीर मिलती है आपको। तो हमें पता है कि कई सारी दुकानें हैं पर हमने यहाँ पर सर्च किया पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर राधे कृष्ण पेंटिंग करके जहाँ पर आप बांके बिहारी की ओरिजिनल फोटो ले सकते हो। तो मुझे बांके बिहारी जी को अपने घर लेके जाना था, उनकी एक छवि लेके जानी थी भाई, वो तो दिल में हमेशा ही है, उनकी छवि लेके हमें बांके बिहारी जी की जानी थी। यहाँ से लेके जा रहे हैं बांके बिहारी जी को अपने साथ। दर्शन हो गए हमारे, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मथुरा के लिए। बोलो राधे राधे हरि बोल। लोग इस तरह बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, ये पूरा परिक्रमा पथ है। लोग ऐसे लेट लेट करके परिक्रमा यहाँ हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं क्योंकि जिस ऑटो से हम आ रहे हैं वो ऑटो इतना धीमा चल रहा था कि हम आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे में पूरा किया हमने। यहाँ एक कहावत बोलूँगी, जो कहावत नहीं है गाना है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे आज फील हुआ है कि ये सिर्फ कहावत नहीं है, गाना नहीं है, इसमें सच्चाई भी रहती है। अब आप इस वीडियो को आगे पूरी देखिएगा, लास्ट क्लिप तक देखिएगा, फिर आपको जो एहसास हो आपको जो फील हो आप अपने शब्दों में कमेंट में जरूर लिखिएगा। देर के लिए क्षमा करना। आपने क्या नाम बताया था भाई साहब? बाबूजी 100 मीटर ही है ना, बस उस रोड तो पार करके बस उधर ही है, 100 मीटर ही है। चाबी कहाँ है? बैठो बहन जी। हाँ, आपको बांके बिहारी जी के दिल पर अटल विश्वास है। हाँ, आपने आपके दिल में भगवान बांके बिहारी जी बैठ गए, जरा भी हलचल नहीं होने दी, शांति से बैठे प्रभु तेरी रजा हो। तो बांके बिहारी जी बड़े दया के सागर है, भैया पार कर जी जी। हाँ, मेरी सेवा प्रवान करो। बिल्कुल नहीं, अब पैसे मुझे कुछ अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं पैसे क्या देना है, निकालना ही सामने जाएंगे। राधे 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 राधे। अरे रहन दी, जाते आने हैं जी। ठीक है काका, है ना? राधे राधे फोन पर राधे राधे बोलते रहेंगे। हाँ, कभी राधे राधे बोलते रहेंगे। मेरी बहन जी मिला दी है। हाँ, नंबर है ना। हाँ, भैया। हाँ,
सो गाइज आपने पूरी वीडियो देखी और देखा कैसे दर्शन किए हमने। और जब आप कहीं नई जगह जाते हो तो कई चीज़ें आपसे जो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस कर देते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कई चीज़ें आती हैं। तो ये ऑटो वाले काका की बात बताऊँ, मुझे बहुत जब ऑटो का धीमा चला था, काफ़ी लेट हम हो गए थे, मतलब इन्होंने 3 घंटे में हमें मथुरा पहुँचाया था। 7 बजे निकले थे और हम 10:30 बजे पहुँचे थे। टाइम हालांकि आधे घंटे से थोड़ा बहुत आगे पीछे लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, फिर भी हम ऑटो में आते रहे। और शुरू में महंगे ऊपर गुस्सा हो रही थी, यार बहुत धीमा चल रहा है, थके हैं, गर्मी है, फिर भी हम आए। पर लास्ट में पता नहीं भगवान की नगरी में इस तरह बातें बोलना और इस तरह बच्चों से, हम ऑटो में कुछ बात भी नहीं की, काका से हमारी कोई बात नहीं, पर अचानक से उनकी इतनी सारी बातें कि समझ में नहीं आया कि भगवान की नगरी में इस तरह बातें कोई भूल रहा है, अनजान बोल रहा है, हमारे बच्चों से इतना अटैचमेंट दिखा रहा है। और मतलब इतनी दूर से आए फिर भी लास्ट में उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ बात पैसे की नहीं। पर जो फीलिंग थी उनकी, इतना अटैचमेंट लगा लास्ट शुरू में, मुझे मैं बताऊँ पर्सनली शुरू में, आज का जो टाइम है इतना ईजली, मतलब बाहर वो भी इतना ईजली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। शुरू में मैं काफ़ी इस चीज़ में बहुत सोचती रही कि यार ऐसा ये दीदी जब भी आना आ पाना, मैं पेड़े लेके आऊँगा, मैं मथुरा के पेड़े लेके आपके घर आऊँगा, इस तरह बातें उन्होंने कही। तो ये चीज़ काफ़ी बहुत देर तक सोचती रही, पर लगा कहीं ना कहीं बाकी बिहारी की कृपा है, भगवान किसी की वाणी किसी के थ्रू कुछ ना कुछ अपने, मतलब मुझे तो बहुत ब्लेस्ड लगी ये बातें उनकी जो उन्होंने बाकी बिहारी जी को लेके बोली, बहुत ब्लेस्ड लगा। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही एक देखा जाए तो चमत्कार था। कहते हैं ना कभी किसी ना किसी रूप में भगवान आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो दिल को छू लेती है। और जो उनका मेरे बच्चों के लिए लगाव था, जाते जाते बाय करना, मतलब वो अलग उनकी तरफ से, मैं तो उतना नहीं कर पा रही थी कि यार अनजान शहर है, इतना ईजली क्या ट्रस्ट कर लेना चाहिए। वो नंबर मांग रहे थे, नंबर भी मांगा उन्होंने, फिर इन्होंने नंबर दिया अपना, हमने अपना एड्रेस भी दिया उन्हें, क्योंकि बात तब लगा कि जब उन्होंने बोला यार पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं अब चलता हूँ, तो लगा यार कि हर इंसान तो पैसे के लिए वो करता है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गई ऐसे टाइम में, जो कि ये जो अटैचमेंट उन्होंने दिखाया, तो ये तो मुझे बाकी बिहारी जी की ही कृपा लगी। उन्होंने जो बाकी बिहारी जी को बात को लेके बोला ना, सच में वो चीज़ें दिल से जब होती हैं, उनकी भगवान की बातें आप तक पहुंच जाएं, तो वो बहुत ही किसी ना किसी माध्यम से वो बहुत ही दिल को छू जाती हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट मोमेंट था, मतलब बहुत ही एक देखा जाए तो लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो अच्छा मोमेंट होता है, आप कहीं गए हो वहाँ से अच्छी मेमोरी लाते हो, तो ये भी एक बहुत ही प्यारी मेमोरी थी।